प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक नामक पाठ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यू है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम है आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों में वास्को डी गामा आया, कब आया, 1498 में। दूसरा है डच आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब डचों के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, डच हम इंग्लिश में लिखेंगे तो डी ए सी एच लिखेंगे। डच में ये जो डी है वो जर्मनी के लिए है, जो ए है वो ऑस्ट्रिया के लिए है, जो सी एच है वह स्विट्जरलैंड के लिए है। अब जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्निल, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वेना, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा दूसरा एमसीक्यू है, पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यह यात्री पुर्तगाल से संबंधित है। आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा आया था, ठीक है, क्यों आया था, समुद्री मार्ग को खोजने के उद्देश्य और मसाले प्राप्त करने के उद्देश्य से। अब देखिए हमारा तीसरा एमसीक्यू है, 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। बिल्कुल सही, एक अधिकार से क्या तात्पर्य है, तो सन 1600 में, याद रखिएगा सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। इजाजतनामे में यह था कि कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। अब एक अधिकार का क्या मतलब होता है, तो एक अधिकार से तात्पर्य यह है कि पूर्व में इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी, यानी ब्रिटिशों की, ब्रिटिश आइसलैंड की कोई भी दूसरी कंपनी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती है। पहला कथन सही है। दूसरा है, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। बिल्कुल सही, सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी यूरोप में जबरदस्त मांग थी। आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अब तीसरा कथन है, इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। बिल्कुल सही, पश्चिमी तट में गोवा में पुर्तगाली अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। याद रखिएगा कि पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले भारत आए और अपनी उपस्थिति कहाँ दर्ज करा दिए, पश्चिमी तट पर गोवा में अपना ठिकाना पुर्तगालियों ने बना लिया था। आपके तीनों कथन जो हैं सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, इसलिए सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कातिकाता गांव की जमींदारी खरीद ली और जो बाद में कोलकाता बना, कौन, कातिकाता। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार, यानी फरमान के अनुसार, फरमान क्या होता है, आदेश के अनुसार कंपनी के अफसर और कंपनी निजी तौर पर व्यापार चला सकते थे, वो भी बिना शुल्क दिए। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब ने यह फरमान दिया था कि केवल कंपनी बिना शुल्क दिए, कौन, केवल कंपनी बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकती थी, लेकिन कंपनी के अफसरों को जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें शुल्क देने के लिए कहा गया था। और ये बोल रहा है कि दोनों को बिना शुल्क दिए काम करने के लिए बोल दिया गया था व्यापार चलाने के लिए, इस वजह से दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही काल क्रम है। तो देखिए सही काल क्रम है आपका ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। याद रखिएगा कि सबसे पहले मुर्शीद कुली खान नवाब बना, मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान नवाब की गद्दी पर बैठा और 1756 में, याद रखिएगा कब, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देख ही लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के नवाबों से क्या हुआ, युद्ध हुआ, क्यों हुआ, नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। बिल्कुल सही, अब तुम यहाँ व्यापार करोगे और हमें, यानी इन्हें, नवाबों को कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नजराने की मांग की। शुल्क भी मना कर दिया गया था सम्राट की ओर से।
तो पहला का सही है। अब दूसरा कथन है, नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। तो दूसरा कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नवाबों ने सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया था कंपनी को और उनकी किलेबंदी तो रोक ही दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, जो भी सौदागर होते थे, बारगिनर, जो भी व्यापारी लोग होते थे, सब एक जगह बसा लेते थे। कहाँ पे? जहाँ पे इनकी फैक्ट्री होती थी। फैक्ट्री कहाँ थी, याद रखिएगा, हुगली नदी के पास थी। ठीक है, हुगली नदी में ही आपका कोलकाता का बंदरगाह है, ठीक है, जिसे विश्व पूर्व का लंदन कहा जाता है। किसे? कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। तो यहीं पर हुगली नदी के किनारे ये क्या करते थे, बस्तियाँ बसा लेते थे और फिर उसकी किलेबंदी भी वे करने लगे थे। तो किलेबंदी भी नवाबों ने रोक दी और सिक्के डालने का अधिकार भी नहीं दिया उन्हें। ठीक है, और पहला कथन सही है कि नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए, हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, पलासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। बिल्कुल सही। तीसरा कथन है, इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। बिल्कुल सही। आपके सभी कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। अब याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ। कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है, बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, उनके खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार भी हो गई। अब सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, उसके सेनापति, सिराजुद्दौला के बहुत सारे सेनापति थे, उनमें से एक था मीर जाफर। उसने धोखा किया किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। क्यों धोखा किया? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह लालच दिया था कि तुम्हें सिराजुद्दौला के बाद क्या बनाया जाएगा, नवाब बनाया जाएगा, जिस वजह से मीर जाफर उनके झांसे में आ गया और सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। अब देखिए, तीसरा बिल्कुल सही है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, फिर मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने जैसा कहा था उस प्रकार नवाब बना दिया। तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए, हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन है, यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। बिल्कुल गलत। बक्सर का युद्ध कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। ठीक है, दूसरा है, इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। बिल्कुल गलत। इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर कौन, यही सिराजुद्दौला के सेनापति को, ये रहा आपका मीर जाफर, इसे ही दूसरे युद्ध में जीतने के बाद कंपनी ने मीर जाफर को ही फिर से नवाब बनाया था। उसके बाद तीसरा कथन है, इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। बिल्कुल सही। आपका ये जो है तीसरा कथन बस सही है, बाकी सब गलत हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध, ये बक्सर का युद्ध कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था। ठीक है, और जब मीर कासिम के बीच में हुआ था तो मीर कासिम को कंपनी ने हरा दिया, तो जिसे हराया उसे फिर से थोड़ी ना नवाब बनाएगी। तो जो मीर जाफर था उसे फिर से नवाब बनाया गया था, मीर कासिम को नहीं। इसलिए आपके दोनों कथन गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो केवल सी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए, हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। तो देखिए, कंपनी को दीवान तो नियुक्त हो गई बंगाल की, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया, लेकिन बंगाल के नवाबों ने उसे नियुक्त नहीं किया था। बंगाल के नवाबों को तो कंपनी ने स्वयं ही हराया था, बल्कि मुगल साम्राज्य के शासक ने ठीक है क्या किया था, कंपनी को दीवान नियुक्त किया था। इसलिए आपका पहला कथन गलत है। दूसरा है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। अब भारत से ही होने वाली आमदनी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खर्चा चला सकती थी। इसलिए आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
तो देखिए पहला कथन है कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे ये रेजिडेंट। बिल्कुल सही, ये जो रेजिडेंट होते थे वे कंपनी के हितों की रक्षा करना और कंपनी को आगे बढ़ाना इनका काम होता था। किनका? रेजिडेंटों का। रेजिडेंट से तात्पर्य एक तरह के अधिकारी से होता था जो भारतीय राज्यों में नियुक्त कर देते थे और इनके माध्यम से यानी रेजिडेंटों के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। जैसे अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसे बैठाया जाएगा, इन सारे मामलों पर भी अफसर जो है अपनी मनमानी चलाना चाहते थे। दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू ऊपर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 11 है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। बिल्कुल सही। अब इन्हें सेना रखने के लिए मना कर दिया गया और रक्षा के लिए कंपनी खुद सेना दे देती थी और उस सेना के रखरखाव के लिए खर्च चलाने के लिए कंपनी द्वारा क्या रखा गया था, कर रखा गया था कि ये खर्च आप देंगे, तो किसे चुकाना पड़ता था, रियासतों को ही देना पड़ता था ये खर्च भी। तीसरा कथन है रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका ही छीन लिया जाता था। बिल्कुल सही, तीनों कथन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, एक दो और तीन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू ऊपर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 12 है, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। बिल्कुल सही। अब मैसूर के तो ये नवाब ही थे हैदर अली और टीपू सुल्तान के पिता हैं हैदर अली, याद रखिएगा। अब दूसरा कथन है टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। बिल्कुल सही। शेरे मैसूर क्यों कहा जाता था? अब मैसूर इसलिए कहा जाता था क्योंकि टीपू सुल्तान कब 1782 में आपके मैसूर का राजा बना, नवाब बना, ठीक है। और शेरे क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल पर शिकार खेलने के लिए गया और वहाँ पर टीपू सुल्तान का सामना शेर से हो गया और मौके पर उसकी बंदूक ने, टीपू सुल्तान की बंदूक ने धोखा दे दिया और कटार भी नीचे गिर गई। कटार तो आप जानते ही हैं। अब कटार जब नीचे गिर गई तो निहत्ते ही टीपू सुल्तान ने शेर का सामना किया और उसे मार गिराया और लड़ते लड़ते कटार उठा ली और उसे मार गिराया था, जिस वजह से इस घटना के बाद टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाने लगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा कथन है टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया कि फ्रांसीसियों के साथ इनका घनिष्ठ संबंध किसका, आपके टीपू सुल्तान का, तो डचों की सहायता कहाँ से ले लेगा, इसलिए ये जो है आपका गलत है क्योंकि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और उन्हीं की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ना कि डचों की सहायता से, इसलिए तीसरा कथन गलत है, बाकी दोनों सही हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, एक और दो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू ऊपर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 13 है, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ, आंग्ल मतलब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर मतलब मैसूर के जो नवाब थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो देखिए पहला कथन है मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। बिल्कुल सही। तीसरा कथन है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। तीनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू ऊपर। देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 14 है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। किसके बीच? मराठों और मुगलों के बीच में हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई और मराठों का सपना टूट गया दिल्ली से शासन चलाने का। दूसरा कथन है मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राजमंडल के सदस्य थे। बिल्कुल सही। आपके दोनों कथन जो है सही है, पहला और दूसरा। अब तीसरा कथन है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन क्यों गलत है? क्योंकि जो आंग्ल मराठा युद्ध है इसमें जो सालबाई की संधि हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। और ये बोला दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था, तो ऐसा नहीं है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा कथन क्या है? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिट्टूर में पेंशन पर भेज दिया गया। बिल्कुल सही। तो देखिए आपका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, केवल एक दो और चार। तीसरा कथन गलत है क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 15 है, निम्नलिखित कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन है कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना प्रत्यक्ष
नियंत्रण स्थापित किया था। अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का कारण क्या था? तो कारण यह था कि कंपनी को यह भय था कि रूस उत्तर पश्चिम हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। अब रूस जो है अगर भारत पर शासन करने लग जाएगा तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, यह भय था, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान पर भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था कंपनी ने। कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल सही। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 16 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु के होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। बिल्कुल सही, अगर किसी रियासत के शासक का वारिस नहीं है जो कि पुरुष हो यानी लड़का हो, तो शासक की मृत्यु होने के बाद उसकी रियासत कंपनी अपने भूभाग में मिला लेती थी, अपने राज्य में कब्जा कर लेती थी, ठीक है, कंपनी अपनी जमीन में मिला लेती थी। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है, इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध कबीला किया गया। तो दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, यानी विलय नीति के अनुसार 1848 में सबसे पहले सतारा रियासत को इसमें मिलाया गया था कि इसमें कंपनी में, ठीक है, इस वजह से आपका दूसरा कथन जो है गलत है। और याद रखिएगा ये नीति कब लागू हुई थी, 1848 से लेकर 1856 के समय में, ठीक है, किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। बिल्कुल सही। दूसरा कथन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। बिल्कुल सही, ये सुधार वॉरेन हेस्टिंग्स ने किए थे। आपके दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 18 है, अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। बिल्कुल सही। और क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव को कुछ समय पहले भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारी बनाया गया था, ठीक है, और उसी पर फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया। दूसरा कथन है, वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। बिल्कुल सही। क्यों चला था? क्योंकि उस पर बंगाल पर शासन अच्छे तरीके से न चलाने का आरोप लगाया गया था एक अंग्रेजी अफसर के द्वारा, इसलिए महाभियोग का क्या चला था, मुकदमा चला था। दोनों कथन सही है। तीसरा कथन है, भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। बिल्कुल सही, तीनों कथन सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई जिसमें कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, किसकी, कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए कंपनी जो है भारतीय राज्यों से ऊपर है। आपके तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, एक दो और तीन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम एमसीक्यू पर। देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन कित्तूर जो कि वर्तमान कर्नाटक में है अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? तो आपकी रानी चेन्नम्मा और रायन्ना दोनों जो है अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। देखिए मैं आपको बता दूं कि रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में यानी वर्तमान कर्नाटक में है जो कित्तूर, अंग्रेज विरोधी आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व शुरू किया। किसने? चेन्नम्मा ने, जिसके कारण चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, किसे गिरफ्तार कर लिया गया, रानी चेन्नम्मा को। उसके बाद चेन्नम्मा के बाद रायन्ना ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? रायन्ना ने, ठीक है। उसके बाद चौतरफा समर्थन मिला किसको? रायन्ना को, ठीक है, अन्य लोगों से भी समर्थन मिला जिससे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया रायन्ना के द्वारा। अब रायन्ना जो है अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी, इसलिए अंत में रायन्ना को भी अंग्रेजों ने पकड़कर कब 1830 में फांसी पर लटका दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द नोटिफिकेशन ऑफ अवर एनी न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।